ये गोली होती है दोस्तों, इसकी 250 की एक मिलती है मार्केट में, लेकिन हमारे यहाँ पर पेड़ों में होती है तो हमें मुफ्त में मिल जाती है ये गोली, आप देख सकते हैं। और बिना लाइसेंस के इस बंदूक को आप रख नहीं सकते हो, ये सिर्फ खतरनाक परिस्थितियों में काम आता है। खतरनाक परिस्थितियों में जैसे आपको अपना बचाव करना हो, अब बताएंगे जैसे इनके घर में बाघ आ जाएगा दीपू के घर में, तो ये बंदूक निकालेंगे और ये गोली जो इसकी है उसको डालेंगे अपनी बंदूक में और फायर गोली दे भाई। लो भैया यार टेस्ट करो इसका। अभी दीपू एक लकड़ी तो काट रहा है ब्लेड से, तो लकड़ी काटने में से थोड़ा टाइम लगेगा, अगर दराती लाया होता तो शायद जल्दी कर जाती, पर दराती से टूट जाते हैं। भलो भल लागना था, भला भल के लागना तो भेजिए ना ऊपर भेजो। ये हम दादी ने की, दादी ने की पिलाओ मेरे को सब। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 26 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो शाम की बज गए हैं 3:30, अभी मैं आया था चक्की में, तो यहाँ पर चक्की में आकर एक चीज देखी, दीपू को देखा। दीपू आप मेरे पीछे देख सकते हो, दीपू हाथ हिला दे। तो दीपू को देखा तो अपने बचपन की एक याद आ गई, तो दीपू यहाँ पर आया है बंदूक बनाने। तो हम भी पहले बचपन में ऐसी बंदूक बनाया करते थे, लेकिन बहुत सालों से मैंने इस तरह का कोई बंदूक अभी तक चलाया नहीं है। तो पहले बंदूक के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसकी व्यवस्था करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है। तो दीपू भाई बताएंगे आपको, मैं तो भूल गया पता नहीं कैसे कैसे बनता है, दीपू बताएगा। तो यह है दीपू और ये एक झाड़ी है, और बेसिकली झाड़ी इसका नाम होता है हमारी कुमाऊनी भाषा में, हम इसे कहते हैं झटियालू। झटियालू की झाड़ी है, तो झाड़ी में आप देख सकते हैं अभी दीपू एक लकड़ी तो काट रहा है ब्लेड से, तो लकड़ी काटने में से थोड़ा टाइम लगेगा, अगर दराती लाया होता तो शायद जल्दी कर जाती, पर दराती से टूट जाते हैं। दराती से टूट जाते हैं? हाँ। हम पहले दराती से ही बनाते थे, तब नहीं टूटते थे क्या? नहीं, आजकल के बच्चे थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, उनको चीजों के बारे में कम पता है। अगर तुम दराती से काटते इसको यहीं से खट करके फिर आराम से इसको ब्लेड से काटते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोस्तों इसी में जो बंदूक होती है उसकी गोलियां भी होती है। सबसे खास बात तो यह है कि इसी में गोलियां भी होती है और इसी में बंदूक भी होता है। तो दीपू काट रहा है और दीपू ने घड़ी पहनी है, हैं के ना भलो भल लागना था, भला भल के लागना तो भेजिए ना ऊपर भेजो। ये हम दादी ने की, दादी ने की पिलाओ मेरे को होए। तो दोस्तों जो महिलाएं हैं वो खाद ले जा रही है खेतों में, डलिया में रख के, जो जैविक खाद होता है, जैविक खाद जो होती है। तो मैं कह रहा था कि इसी में जो ये पेड़ होता है इसी में हमारी बंदूक की गोलियां भी होती हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो दीपू ने घड़ी पहननी है, दीपू कौन सी घड़ी है ये दिखाना, तो टाइम वाइम सही दिखा रही है? अरे यार रुक जा यार, हाँ 3:59 बजने वाले हैं। कितने की ली ये? 500 की। खाली पल्ले, खाली पल्ले के 100 रुपए की घड़ी को 500 की बता रहे हो? यहाँ पे बेवकूफ बना रहे हो जनता को। सच्ची बोल रहे हो? विद्या कसम को, विद्या कसम। चलो 500 की है, कहाँ से ली? बाजार से। लेकिन तुम्हें ठग दिया किसी ने, ये 100 रुपए की घड़ी को तुम्हें 500 में बेच दिया, बताओ। ऐसी मैसी घड़ी को ले ठुलवा इसमें नहीं हो रखी अभी, आई फूला रही कोई नहीं हराए। तो ताऊजी से भी पूछूंगा अभी मैं झटालू की बंदूक के बारे में थोड़ा। तो ये लकड़ी जो है दोस्तों, इसे हम कहते थे पहले दार पूछी ना, दार हो ना। तो बेसिकली इसमें होता है कि जैसे बांस की लकड़ी में जैसे अंदर छेद होता है, खोखला होता है अंदर से, वैसी ये लकड़ी भी अंदर से थोड़ी सी खोखली होती है, और उसी खोखले में हम जो है बारूद डाल के फायर करते हैं। क्यों? इसका बारूद भी इसी के पेड़ में होता है। बारूद भी इसका इसके पेड़ में ही होता है, देखो बाकी आपको ताऊजी ने बता ही दिया है ऊपर से। तो दोस्तों दीपू से थोड़ा कटने में देरी हो रही है, अरे झाड़ी, तो मैं काटता हूँ इसको फटाफट से। जूम करके दिखा दी यहाँ पे, जूम मत कर, मतलब पास में आके दिखा दे और जूम ऑफ कर ले, जूम को ना कम कर देगा क्या है तू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कट गया लगभग, ये गया है कट। तो आपको ये इसमें अभी छेद दिख नहीं रहा होगा बढ़िया से,
थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, ऐसे हो जाएगा ये, थोड़ी देर में ऐसे छेद हो जाएगा इसमें भी, दिख रहा है ना छेद, तो काट लेते हैं फटाफट। बस तो यार मेरे से तो बना नहीं, अब करण भाई आए हैं। करण भाई इसमें अपनी मैकेनिज्म लगाएंगे थोड़ा, इन्होंने अभी हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है रुड़की से, तो देख सकते हैं आर पार कर दिया इन्होंने। क्या करण अब तुम्हारी बंदूक को बना पाएंगे? हाँ। क्या ये फायर करेगी आपकी बंदूक? क्या लगता है? मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? तो मैं तो फेल हो गया, लेकिन करण मेरे को लग रहा है कि पास हो जाएगा। करण की कोशिश जारी है। तो ये गोली होती है दोस्तों, इसकी 250 की एक मिलती है मार्केट में, लेकिन हमारे यहाँ पर पेड़ों में होती है तो हमें मुफ्त में मिल जाती है ये गोली, आप देख सकते हैं। और बिना लाइसेंस के इस बंदूक को आप रख नहीं सकते हो, ये सिर्फ खतरनाक परिस्थितियों में काम आता है। खतरनाक परिस्थितियों में जैसे आपको अपना बचाव करना हो, अब बताएंगे जैसे इनके घर में बाघ आ जाएगा दीपू के घर में, तो ये बंदूक निकालेंगे और ये गोली जो इसकी है उसको डालेंगे अपनी बंदूक में और फायर गोली दे भाई। लो भैया जरा टेस्ट करो इसका। अब परीक्षा की घड़ी आ गई है दोस्तों, क्या ये बंदूक फायर करेगी? ना ये फुस इसमें मैगजीन लगाई नहीं है, ये फुस हो गए यार। इनकी इंजीनियरिंग भी यहाँ पर फिर से फुस हो गई है दोस्तों, जो इसकी आवाज होती है फिर से। ए भाई साहब एक और दे, अब एक ही कारतूस बची है, देखते हैं अंतिम कारतूस। तो प्रकाश दा हमारे माँ साहब है, प्रकाश दा इसकी इसका जो इतिहास है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा मिस गाइड नहीं करना है बच्चों को, अब इसका मतलब जो एडवांस वर्जन है वो भी बनाएंगे। एडवांस वर्जन देखा है? वेल एडवांस वर्जन तो तब बनाएंगे ना जब ये वाला वर्जन फेल हो गया पूरी तरह से। तो दीपू आपकी निराशा की कोई सीमा है इस वक्त? नहीं है, कोई सीमा नहीं है। एक फायर कर दिया बंदूक ने। तो दोस्तों करण ने दीपू को जो है उसकी बंदूक बना के सौंप दी है, झटियालू बंदूक, ये देख सकते हैं आप। अब दीपू की चेहरे पे मुस्कान देख सकते हैं, दीपू जरा यहाँ को देख लो, अब निकल लो। तो दोस्तों बज गए शाम के 5 और मैं और मेरे साथ राजू भाई हैं। कल आपने राजू भाई को झूला झूलते हुए देखा था। तो दोस्तों जो अभी हमने वीडियो बनाई थी वो बंदूक की, वो बस हम खिलौने के रूप में बचपन में उपयोग करते थे, और बाकी उसका कोई ऐसे कमर्शियल यूज भी नहीं है, और ऐसे कोई डिफेंस में भी कोई उसका यूज नहीं होता है, सेना में भी नहीं होता है, विश्व युद्ध में भी नहीं हुआ था, कहीं भी नहीं हुआ था, वो मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया था। और उसकी गोलियां भी जो है, जो उसका फल होता है झाड़ी में, जो फल जैसा कुछ लगता है उसकी को हम गोलियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जो लकड़ी होती है उसके बीच में जो खोखलापन होता है उसके बीच में जो हवा जमा रहती है, वो हवा प्रेशर मारती है तो आवाज करता है फट 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 करके, तब हम उसको बोलते हैं झटियालू बंदूक, मतलब झटियालू झाड़ी का नाम हो गया, बंदूक को बंदूक हो गई। फिलहाल बचपन के दिन थे तो बचपन के दिन चले गए, अभी आ गए हैं बड़े वाले दिन। तो आज के ब्लॉग को करते हैं अभी समाप्त। बाबूजी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, लौट के आऊंगी, माल तैयार रखना। तो जो ट्रक की हेडलाइन थी वो है बाबूजी अपना ख्याल रखना, चलती हूँ, पता नहीं क्या क्या था। फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ 10 बजे फिर 8 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम दोस्तों।